की इस तरह से टिकट लेने की यही परेशानी होती। ए लड़की, मेरी बात सुनोगी? थोड़ा बाहर आ जाओ ना। टीटी आपको लेडीज कंपार्टमेंट में सीट तो दिलाई देगा, एक साथ रहने से खामखा रात को हमें परेशानी हो सकती है ना। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? ये भगवान, ये कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? मैं कुंवारा लड़का हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ, एक कुंवारी लड़की के साथ एक ही डिब्बे में। मेरी शादी के बारे में बात चल रही है अभी, तो मेरी बात सुनोगे? चली जाऊँ यहाँ से? तुम ही क्यों नहीं चले जाते है? नहीं तो एक काम करो, टिकट मेरे हाथ में दो और चेन खींचो, ट्रेन से उतर जाओ। अरे ये कौन सी बात है, गाड़ी में तो पहले मैं चढ़ा था। उसका क्या फायदा है, तुम्हारे नाम का भी तो टिकट नहीं है ना। ये लो जो पैसे बोले थे। इमरजेंसी के लिए ऐसे जाना पड़ रहा है, मेरी माँ बाथरूम में फिसल गई है, फोन आया इसलिए तुरंत जा रहा हूँ। आप, मैं टिकट खरीदने गया तो टिकट अवेलेबल नहीं थी, मुझे मिली ही नहीं टिकट। सर सर, आप अब तक आए नहीं, यही मैं सोच रहा था क्यों नहीं आए। ये रहे मेरी टिकट, हमारी मिस्टर एंड मिसेस प्रभाकर। सॉरी, गलती से मैंने अपने भाई का नाम बता दिया, मेरा नाम है मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश। वैसे ये टिकट हम दोनों ने मिलकर बुक की है। कोई शक तो नहीं है ना आपको? क्यों नहीं, मतलब कितने लोग ब्लैक टिकट में यात्रा करते हैं ना, ऐसा सुना है मैंने। ये मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश कभी ऐसा नहीं करेंगे, समझ रहे? मैंने तो कुछ बोला नहीं। सर ये तो आपका बहुत बड़ा दिल है ना, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है ना। अरे बाप रे, फिलहाल तो हम बच गए, ये टीटी के सामने ड्रामा करना ही पड़ा। आपने तो कुछ बोला ही नहीं, आप चुपचाप कोने में बैठी थी। नोबेल किताब लग रही है, किताब देख के मेरा भी मन करता है पढ़ने का। वैसे कोई दूसरी किताब है क्या? नहीं है, कुछ पढ़ने के बाद ही मुझे नींद आती है। चेन्नई में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मेरी माँ का फोन आया था और कहा, रामू मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई हूँ, ऐसा कहकर रोने लगी। अब इस जल्दबाजी में किताब कहाँ से खरीदता बता। अरे बाप रे, टीटी ने कहीं सुन तो नहीं लिया कि मेरा नाम राम है? वैसे ही मेरा पूरा नाम रामानुज है, मेरे पिताजी रामानुज के बारे में बहुत बड़े भाषण देते थे, इसलिए मेरा नाम रामानुज रख दिया, लेकिन मैं भाषण देने में माहिर नहीं हूँ, ये सब मैंने सीखा नहीं। वैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है और इसलिए मैं 3-स्टार बिल्डर्स के साथ काम करता हूँ। वैसे आप मद्रास में पढ़ती है या काम करती है? ओह, पढ़ती होंगी, अच्छी बात है। भले ही मेरा नाम रामानुज है लेकिन मेरे करीबी दोस्त मुझे रामकुमार बुलाते हैं, तुम भी ऐसे बुला सकती हो। किस लिए? अरे कभी जरूरत पड़े तो बुला सकती हो ना। अब तक तो नहीं पड़ी। हाँ सही बात है, अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी। इधर दो। मैं खोल देता हूं। अरे बाप रे। ठीक है, चिकन करी है ना? वैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, चपाती के साथ चिकन करी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और वो भी खास करके ट्रेन के सफर में। अरे खा लो, मैं घर से खाकर आ चुका हूँ। ओके
अरे मेरी वाइफ चिकन करी लाई थी, वो मेरे ऊपर गिर गई। वो चपाती और चिकन करी खा रही है। लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैंने दूध और फल लाया है। आइए आप जाइए, आपने मुझे पहचाना नहीं ना। अरे बगल के डिब्बे में मिस्टर मिस्टर प्रकाश, टीटी ने अभी टिकट चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरी बीवी है जो अभी खाना खा रही है, मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश। अब जाइए हाथ धोइए। मिस्टर एंड मिसेस KLU, इसका मतलब मिस्टर एल लोअर बर्थ और मिस्टर यू अपर बर्थ। आप आराम से सो जाओ, लेकिन मैं टिटी को संभाल लूंगा। वैसे ऊपर जाने के लिए प्रॉब्लम है क्या? अरे अरे नहीं नहीं, मैं हूँ, मैं कर लेता हूँ, मैं हेल्प कर लेता हूँ आपकी। सर दरवाजा बंद नहीं किया? आजकल चोर लोग बहुत घूमते हैं। नहीं, हम लोग लाइट ऑफ नहीं करते, घर में भी ऐसे ही होता है। फिर चोरी होने के बाद मत बोलना। हेलो, ऐसे खराटे ले रहे हो, मेरी नींद खराब हो रही है। सॉरी, यही मेरी परेशानी है, जैसे ही आग बंद हो जाती है खराटे शुरू हो जाते हैं। तुम सो जाओ, आगे से नहीं होगा। अरे सुनिए, वैसे मैं आपका नाम भूल गया। मैंने बताया ही नहीं। वैसे